हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटियोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रलाइन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। प्रलाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पर अभी मैं बादाम और काजू यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह वॉलनट्स या सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके भी प्रलाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप बादाम और इसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसी के साथ मैं ले रही हूँ काजू, तो ये भी मैं आधा कप ले रही हूँ। तो दोनों मिला के आपको एक कप लेना है और इसे बिना घी बटर से आपको रोस्ट करना है। आप चाहे तो बटर और घी दोनों में से कोई भी एक लेके भी रोस्ट कर सकते हैं, पर अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। इसे एकदम धीमी आंच पे आपको इसे रोस्ट करना है। और यहाँ पे या तो आप नॉनस्टिक ले सकते हैं या तो कोई भी एल्यूमिनियम कढ़ाई, हेवी बॉटम वाला पैन हो वही लेना है, ताकि ये जले नहीं। और एकदम धीमी आँच पर हम इसे रोस्ट करेंगे और कंटिन्यू इस तरह से हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। हल्का सा कलर चेंज हो उतना ही रोस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम शुगर को कैरामलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कप चीनी ले रही हूँ और इसे इस तरह से हम नॉनस्टिक पैन में इस तरह से फैला देते हैं। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक यूज़ किया है, आप चाहे तो एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, पर जो भी ले रहे हैं वो हैवी बॉटम पैन होना चाहिए, वो खास ध्यान रखना है। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अपने आप ही मेल्ट होने देंगे। अभी हम चम्मच या स्पैचुला टच नहीं करेंगे, ऐसे ही इसे मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं साइड में चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पैन को इस तरह से हम गैस की फ्लेम के ऊपर ही इस तरह से घुमाएंगे ताकि ये जो चीनी है वो इवनली मेल्ट हो जाए, मीन्स कैरमलाइज हो जाए। अब हम इसे इस तरह से कंटिन्यू हिलाएंगे ताकि चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो जाए। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हम तुरंत ही गैस ऑफ कर देंगे। और इसमें मैं डाल देती हूँ बटर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा टेबलस्पून बटर और इसे हम कंटिन्यू हिलाएंगे और वापस हम स्लो फ्लेम पे गैस ऑन करेंगे। जैसे ही चीनी अच्छे से कैरामलाइज हो जाए तुरंत ही आपको इसमें बटर डालना है और इसे कंटिन्यू हिलाना है। अच्छे से बटर मेल्ट हो जाए इसके बाद ही इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है और गैस हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, चीनी ज़्यादा कैरमलाइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये जो प्रलाइन है वो बीटर लगेगा। तो इसे मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने प्लेट जो ली है मैंने पहले से ही इसे ग्रीस कर लिया था बटर से, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो आपको खास ध्यान रखना है, प्लेट को आपको अच्छे से ग्रीस करना है। अभी मैंने यहाँ पे कांच का एक प्लेट लिया है, आप इसकी जगह फॉइल पेपर के ऊपर भी आप स्प्रेड कर सकते हैं, इवन आप बटर पेपर के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म को तेल या बटर से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं, ठंडा होने के बाद आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। तो इसे हम अब ठंडा होने देंगे। अभी ये प्रलाइन हमारी ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं इजीली अनमोल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसे 30 सेकंड के लिए प्लेट को माइक्रोवेव कर देंगे तो इजीली ये निकल जाता है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। डायरेक्ट इस तरह से भी खा सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसे क्रश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे क्रश करना है, रफली क्रश करना है। तो इस तरह से हम सारी प्रलाइन को क्रश कर लेंगे। तो प्रलाइन हमारा रेडी है। आप इसे आइसक्रीम के अंदर या तो टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, इवन आप पुडिंग, केक, पेस्ट्री,
आप चॉकलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी रेसिपी में भी ये जाता है, आप इसी से चीज़ केक भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी रेसिपी में यूज़ करके आप सर्व कर सकते हैं, इवन ऐसे ही आप खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगता है एप्रलाइन। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। सुपर टेस्टी प्रलाइन की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड क्यूट्योर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।